वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑक्यूपेंसी को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और बेसिकली ऑक्यूपेंसी होती क्या है। ऑक्यूपेंसी बीपीओ सेक्टर में कैलकुलेट की जाती है। ऑक्यूपेंसी जब हमारे यूज़ में आती है, जब भी हमें किसी एजेंट का चेक करना हो कि वो कितना पूरे दिन में काम कर रहा है, तो वो हम ऑक्यूपेंसी फॉर्मूले से हम चेक कर सकते हैं, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने ही वाला हूँ। ऑक्यूपेंसी सीखने से पहले, उसका फॉर्मूला जानने से पहले, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑक्यूपेंसी दो चीज़ों से कैलकुलेट होती है। एक है हैंडल टाइम और एक है अवेलेबल टाइम, यानी कि जो एक एजेंट है हमारा, उसने पूरे दिन में कितना जो है कस्टमर को हैंडल करा है, उसका टाइम कैलकुलेट होगा, और कितना वो कस्टमर के लिए अवेलेबल रहा है वो यहाँ पर वो भी टाइम कैलकुलेट होगा। तो अब देखिए कैसे होगा यहाँ पर। अब हैंडल टाइम के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आता है टॉक टाइम, होल टाइम एंड ACW टाइम। टॉक टाइम तो आपको पता ही है, जो कस्टमर से एजेंट हमारा बात कर रहा है। सेकंड होल टाइम, जब एजेंट कस्टमर की हेल्प के लिए अपनी कॉल को होल्ड पर रखता है, तो वहां पर ये आ जाएगा। देन आता है ACW टाइम, जब कॉल खत्म हो जाती है उसको रैप अप करने के लिए, यानी कि उसको टैग करने के लिए, वहां पर ACW टाइम का यूज करता है। मतलब इन तीनों टाइम के अंदर वो कस्टमर की क्वेरी को या कस्टमर को जो है हैंडल करता है। अब आते हैं अवेलेबल टाइम पे। कस्टमर के लिए जो अवेलेबल है कस्टमर, वो कितने टाइम तक रहता है? लॉगिन टाइम, यानी जब पूरा एजेंट पूरे दिन जो लॉगिन है उसमें से हम ब्रेक टाइम को माइनस कर देते हैं, यानी कि पूरे दिन सपोज दैट 9 घंटे एक एजेंट ने लॉगिन करा और 1 घंटा वो ब्रेक पे रहा, तो यानी 8 घंटे हमारा एक एजेंट अवेलेबल रहा है कस्टमर के लिए। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं इसी को, कि यहाँ पर एजेंट्स के कुछ नेम मैंने लिख रखे हैं। लॉगिन टाइम है, ब्रेक टाइम, टॉक टाइम, होल टाइम, ACW टाइम और अवेल टाइम। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहले प्रोडक्टिविटी हम टाइम निकालेंगे। प्रोडक्टिव टाइम क्या था? टॉक टाइम, होल टाइम प्लस ACW टाइम। तो हम इसको कर लेते हैं प्लस इज इक्वल टू टॉक टाइम प्लस होल टाइम प्लस ACW टाइम। एंटर करा तो आप देखिए यहां पर एजेंट का प्रोडक्टिव टाइम निकल गया है। इसी को मैं कर देता हूं नीचे पेस्ट, तो सबका यहां पर प्रोडक्टिव टाइम निकल के आ चुका है। अब बात आती है अवेलेबल टाइम की। तो अवेलेबल टाइम कितना था, मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू टोटल लॉगिन टाइम माइनस में ब्रेक टाइम, यानी वो पूरे दिन में कितना लॉगिन रहा उसमें से हम उसका ब्रेक माइनस कर देंगे, तो इस टाइम जो है कस्टमर के लिए एजेंट अवेलेबल रहा है। इसी को कर दीजिए नीचे पेस्ट। अब सिंपली हम ऑक्यूपेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोडक्टिव टाइम डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम। तो आइए इज इक्वल टू प्रोडक्टिव टाइम डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम। तो यहां पर देखिए जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर 88% आ गए। इसको मैं पॉइंट्स में कर देता हूँ एक पॉइंट, तो 87.7 यहाँ पर ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। इसी को कर दीजिए नीचे पेस्ट। तो अब आप देखिए जितने भी एजेंट यहाँ पर मेंशन थे उनकी ऑक्यूपेंसी निकल के आ चुकी है। आई होप सो आपको ये ऑक्यूपेंसी का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी मैं कई सारे फॉर्मूले से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जैसे श्रिंकेज फॉर्मूला, अट्रीशन फार्मूला, SL फार्मूला। तो ये सारी वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं दोबारा बोलूंगा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।